बताया जा रहा है कि देवास जिले के नेमावर हुए निर्मम हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा मिले। वह भीम आर्मी के बंटी नेता ने यह भी बताया कि माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन के रूप में दिया था, साप्ताहिक बाजार चालू किए जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के उज्जैन में दारू के ठेके चालू हैं, पर रोजगार वाले 5 साल के बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। हम इनके यहाँ सुबह से शाम तक गुमहार लगे रहते हैं कि साहब व्यापारियों को आदेश करे, अनुभवी दे, शिक्षा बंदे और व्यापार बंद है। इसी मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया। माननीय कलेक्टर साहब को हमने 2-7 को एक आवेदन ज्ञापन के रूप में दिया था कि साप्ताहिक बाजार चालू किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के उज्जैन में दारू के ठेके चालू हैं, पर रोजगार बंद है। 5-5 साल के बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। हम इनके यहाँ सुबह से शाम तक गुनाह लगा रहे हैं कि साहब इन व्यापारियों को आदेश करें, उनको अनुमति दें, जबकि मंदिर खुले, शराब के ठेके खुले, शिक्षा बंद है और व्यापार बंद है। तो आज यहाँ कोठी आए थे, लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि साहब हम कमेटी बैठेगी, मुख्यमंत्री साहब के आदेश होंगे, उसके बाद आपको अनुमति देगी। तो सर, ये फुटकर व्यापारी कब तक ऐसे परेशान रहेंगे, इनके बच्चों को लेकर दूध कब तक परेशान रहेंगे? हमारे को इन लोगों को हम ये चाहते हैं, जब तक हमको अनुमति मिलेगी तब तक हम आपको यहाँ से नहीं जाएंगे। तत्काल आदेश चाहिए आपको? तत्काल चीज आदेश चाहिए। अभी आपके यहाँ से कोई आया? क्या वो माननीय साहब बोल रहे हैं कि हम ज्ञापन लेना, ज्ञापन नहीं देंगे हम, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी आज हम यही रहेंगे। और आना अगर आज अगर ये किसी भी परिवार में किसी को भी घटना होती है आज, तो उसकी जवाबदारी प्रशासन शासन की रहेगी, क्योंकि हम लगातार आज 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज ऐसी नौबत आ गई इनकी कि इनको जहर खाना तक बहुत पूर्व है, और आज भले ऐसा कुछ भी होगा तो आत्मदहन कर लेंगे, पर यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम आपका? भरत कुमार।